अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। माशाल्लाह ये मेहमान आए हुए हैं और बकरियाँ भी ली हैं, टेडी भी ली हैं, और एक बरा नस्ल का ब्रीडर है और नाची बच्चा है, गिफ्ट है। इन्हें कुत्ते कह रहे यार एक में, और हाँ पैसे नहीं है। और भाई से इंटरव्यू भी लेते हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भजन? ठीक हो? आपका नाम क्या है? तो जहांगीर भाई कहाँ से हो आप? रावलपिंडी। कौन सी जगह? तो टोटल कितने जानवर हो गए आपके? टोटल हो गए जी 32, वो दूसरे राजनपुरी हैं। अच्छा, और 6 टेडी हैं, 3 ब्रीडर हैं। 3 ब्रीडर हैं और एक ये बरा जो टेडी बकरियों के लिए ज़बरदस्त नस्ल का ये बकरा लिया इन्होंने, और टेडी भी ली है, और ये माशाल्लाह से स्लेटी कलर का बच्चा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये थोड़ा ऊपर करो ना, पूरा बच्चा दिखाओ ऊपर करके, और ये माशाल्लाह से बच्चा लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रीडर है। अच्छा, गाड़ी वाले कितना किराया लिया मजदे वाले ने? 31,000। आज जो है ना 30 है 2019, और 8 तारीख और 11वां महीना, तो इस डेट के अंदर माशाल्लाह से लेके जा रहे हैं। जो बड़ी बकरियां 25-25 हज़ार की ली है, जो टेडी हैं 14-14 हज़ार रुपये की ली हैं, और माशाल्लाह से अभी लोडिंग भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको भी चाहिए, आप साबिर गोल्ड फॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह आपको सस्ती चीज़ें और नहायत ही खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह और मुनासिब कीमत में मिल जाएंगी। और कुछ छोटी पट्ठें भी ली हैं इन्होंने माशाल्लाह से। ये अभी लोडिंग करते हैं और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, और भी काफ़ी मेहमान आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह से मेहमान आते हैं बकरियाँ ख़रीदने के लिए। तो अगर आपको भी अच्छी चीज़ें और बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस में चाहिए, तो आप भी डेरा गाजी खान में इंशाल्लाह आप आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको 500,000 बकरी भी चाहिए ना, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी साबिर गोट फार्म से। और ये बहुत ही शरारती बकरा है यार, बहुत शरारती है, और दो बंदे पकड़ते हैं फिर भी हाथ में नहीं आता। और ये ट्रक है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी लोडिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जिस भाई को चाहिए, जो भी भाई पहले आएगा, और इंशाल्लाह उसको देंगे। अभी ये लोडिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। इधर मेले लगे हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माल बहुत ही सस्ता और निहायत खूबसूरत क्वालिटी का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब कीमत में मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मंडियों का रुख भी नहीं करते और सीधा फॉर्म पे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सहूलत देते हैं, गाड़ी वगैरह हर चीज़ की, पैसे भी आप अगर आप साथ नौजी भी करते हैं। नहीं नहीं ये छोड़ो यार, और पैसे भी साथ ना लेके आओ ऑनलाइन, वो भी हो सकता है, आप जैसे आप बेहतर समझो इंशाल्लाह वही होगा। और जानवर को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे मजदूर लेबर पूरी सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको इंशाल्लाह पूरा गांव भी विज़िट कराएंगे, अपना फॉर्म और पूरी सेटिंग इंशाल्लाह से, जो चीज़ आपको पसंद है वो इंशाल्लाह से आप खरीदें, क्योंकि सही गाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी किस्म की परेशानी किसी को नहीं आने देते, क्योंकि नुक्स वाला माल भी वापसी होता है, साफ़ सुथरी चीज़ और गारंटी की चीज़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी आपके सामने लोडिंग कर रहे हैं, और इसमें बच्चे वाली बकरी भी इन्होंने ली है, वो पता नहीं उधर साइड पे चली गई है, और सारा माल आपको दिखाता हूँ, लोडिंग हो चुका है, और बाकी कीमतें भी मैंने आपको बता दी, और दूसरी और रवात वाली साइड पे गाड़ी लोड हो चुकी है, वो पता नहीं रवात नहीं है, वो कहीं और का बता रहे थे। ये माशाल्लाह से ये देखें ना, ये लोडिंग हो चुकी है, और बाकी जो है ना कुछ और भी बकरे हैं वो भी लोड हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी भाई को चाहिए आप आए साबिर गोट फार्म से, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नंबर वन, और फार्म में ये होता है और साफ़ सुथरी गारंटी की, बच्चे बकरियां हर चीज़ मिलती है आपको। ये देखें जैसे बकरियों के माँ बाप नस्ल हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगी साफ़ सुथरी गारंटी वाली। और ये लोड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 0341 034 1995 ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। माशाल्लाह से ये मेहमान आए हुए हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भजन? ठीक हो? तो वैसे ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशेर खान। तो कहाँ से हैं आप? हम नौशेरा से आए हैं। नौशेरा से? और टोटल कितने जानवर आपके हो गए? 31 जानवर है मेरे। अच्छा, नौशेरा कौन सी जगह आप ले जाओगे बकरी ले? मरदान रोड पे रशकई स्टाफ के साथ थोड़ी देर हमारा गांव। अच्छा माशाल्लाह से, कितना अर्सा हो गया वीडियो देखते देखते? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, और माशाल्लाह से गाड़ी वाले ने कितना किराया लिया? 23,000। और इधर फार्म से लेके जा रहे हैं? जी जी, फार्म से। तो किसी चीज का आपको इधर सही बताओ? हमने बड़े मेहमान नवाज पाए हैं, और बहुत
वो मोहब्बत या प्यार किया। और बकरियां कितने कितने के लिए? तेरह तेरह हजार रुपए की। ऐसे है ना, जो नेट पे दिखे वही चीज लेके जा रहे हो ना, उतनी कीमत में लेके जा। अच्छी बात है, शुक्रिया। और आज 8 तारीख 2019 और 10वां 11वां महीना चल यार। हेलो कटवा बकरा। और माशाल्लाह चाहिए, अभी लोडिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। और इंशाल्लाह अगर किसी भी भाई को चाहिए और आप ऑनलाइन भी मंगवाओगे, आपको 13,000 की बकरी वाइट बड़े साइज में पट्टे 5-5, 6-6 महीने कोई नहीं देगा जो हम देते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त क्वालिटी की आप आके चुन के और अपनी पसंद से लेके जा सकते हो इंशाल्लाह। और ये माशाल्लाह गाड़ी आपको दिखा देता हूँ, बाहर वाली साइड पर खड़ी। चल यार, और भी काफी मेहमान आए हुए माशाल्लाह से, उन्होंने भी खरीदे हैं जानवर। परो तो डूब है ना, पकड़ खोजते आ गए अगते थी उड़े देख। और ये लोडिंग कर रहे हैं, और जो दूसरा मजदा है ना पिंडी वाली साइड पे जाएगा रवात, और उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर सैकड़ों की तादाद में जानवर होते हैं और पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां और बकरे ख़रीदने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह साबिर गोट फार्म पूरे पाकिस्तान में नंबर वन पे है, और ख़रीदारी के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं 0003-44-85-96-564-03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 44-85-96-584-03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 44-85
34-1995 और तीसरा नंबर भी आपको बता देता हूँ 0335-4746-487 और इन नंबरों पे किसी पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और डेरा गाजी खान पहुँचते हैं हमें फ़ोन करें, डेरा गाजी खान जामपुर रोड पुल शोरिया, शोरिया पुल जो कराची रोड के ऊपर आती है और बाईपास बिल्कुल नज़दीक ही है, तकरीबन एक मिनट का सफ़र है। जिस टाइम डीजे खान पहुँचो कहीं पे भी खड़े होंगे हमें कॉल करें, हम उधर ही आ जाएंगे। प्यार भी उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। माशाल्लाह से ये भाई आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भजन? ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो आवर विकास है। अटक से, अटक से तो चार जान वाली है, स्पेशल इतना सफर किया और अटक कौन सी जगह? तहसील जांड से। माशाल्लाह से 2019 और 10वां 11वां महीना और 8 तारीख उतार यार इनको, और ये माशाल्लाह से सेट लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अटक में। और इंशाल्लाह एड्रेस पूरा पूरा बता दो ना, दोस्त आएंगे देखने। जांड में ही है, उधर ही। उधर किस क्या पूछे? उधर मलक आमिर का पता। बस ठीक है, माशाल्लाह से ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शरारती हैं ये, आप देखें ना लड़ भिड़ के ना। और ये टोटल जो है ना, एक भैया है वह उसने जानवर लिया है कराची से, और ये वीडियो आपको दिखाते हैं। और ये वाला बकरा नहीं लिया, ये रावलपिंडी से मेहमान है, उन्होंने लिया, उन्होंने भी काफ़ी सारी बकरियां ली हैं। और ये तकरीबन 60-70 बकरा है, और ये जो भैया है वह उसने लिया है। ये पकड़ गया भाई को, पकड़ गया निको मेरे नाल कर यार। और इंटरव्यू भी लेते हैं और कहाँ पे ले जाएंगे। और दो शजोर डाले कर आए और इंशाल्लाह से इधर आ जाओ भाई, थोड़ा सा सामने आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो तो ऐसे ठीक है। आपका नाम क्या है? जमाल नाम है मेरा। तो जमाल भी कहाँ से है आप? कराची शहर से। कराची कौन सी जगह से? कौन सी? मंजूर कॉलोनी ईदगाह चौक। तो टोटल कितने जानवर हो गए? ये मैंने 67 परचेज किए। 67? अरे 67 है। इसमें बकरियां कितने हैं और बकरे कितने हैं? 5 बकरियां और बाकी बकरे। अच्छा, 5 बकरियां और बाकी बकरे माशाल्लाह से इन्होंने लिए। और दो शजोर डाले भी कराए हैं 2020 के लिए, ये ईद के लिए तैयारी करेंगे माशाल्लाह से ईद पे। स्पेशल साबिर भाई के फॉर्म से सही है माशाल्लाह से। और ये माशाल्लाह पूरा लॉट है ना, ईद पे तैयार करके फिर बेचेंगे दो दान करके। माशाल्लाह गोट फॉर्म में भी बहुत फायदा है, और बकरे पाल के ईद पे सेल परचेज करो, और दो चार महीने बंदा रख के सेल परचेज करता है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रॉफिट मिलता है इन्हीं बकरों में माशाल्लाह से। अगर एक मिसाल है, अभी से 18-20-25 वाला लोग है, कम से कम ईद पे 70,000-80,000 का या 50 लाख का मुख्तलिफ किस्मों के ऊपर बकरे जो है ना बनते हैं वहाँ। कोई 3 मन वजन करता है, कोई 4 मन करता है, कोई 2.5 मन करता है, और माशाल्लाह से काफ़ी इसमें प्रॉफिट आता है अगर आप ये काम करना चाहते हो तो। ये
अभी लोडिंग भी करते हैं और डाले भी आ चुके हैं माशाल्लाह से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ इन्होंने बकरियां ली है, ज्यादातर जो है ना इन्होंने बकरे खरीदे हैं। अच्छा बकरी कितनी है? पांच बकरियां शौक के तौर पर ली है, बाकी सारे जो है ना बकरे लिए हैं, अभी से खसी कराएंगे इंशाल्लाह। आज क्या तारीख है? आठ है, 8 तारीख 2019 और 11वां महीना, क्योंकि ये ऊपर 4-5 महीने मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक मेहनत का सिला देगा और ये बकरे माशाल्लाह से ईद पे तैयार करके बेचेंगे। गेट खोलो यार, कड्ढो बारो। और भी काफी मेहमान आए हुए हैं, वो देखे ना उसमें है, टेडी भी खड़ी है, वो पिशावर से आया है और कुहाट से भी आया हुआ है, और राजनपुरी पट्ठे भी लिए हैं, और राहुल पिंडी वाला माल जो है ना वो दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है, और जहाँ पे बकरियां वाला है वो भी भरा हुआ है, वो भी आपको दिखा दो। चलिए वही तो चार बंदे वाला दे, चार बंदे ये माशाल्लाह से डाले आपके सामने लगे हुए हैं। पकड़ बकरे को, वो भी नया माल मैक्स सी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं, कल मलेशिया से भैया तो उसने 90 जानवर लिए और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेहमान आते हैं, बकरियां और बकरे खरीदते हैं, और क्योंकि पूरी सहूलत होती है ना इधर, जानवर भी सस्ते मिलते हैं और खूबसूरत क्वालिटी के और हर वैरायटी के जानवर। और ये देखें आप, रेट के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी रेंज वाला जानवर खरीदना चाहते हो ना उतनी रेंज वाला मिलेगा, हर बंदे का अपना माइंड होता है ये इतने वाली चीज़ हम खरीदें और उसको मेहनत करके ईद पे फिर सेल परचेज करें, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, वो जितने वाली आप खरीदना चाहते हो और जितना आप काम को बढ़ाओगे अल्हम्दुलिल्लाह उतना आपका काम ज़बरदस्त बढ़ेगा और आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा गोल्ड फॉर्म में। चल यार उतर टोरो इन्हें को, यहाँ वैसे 60 बकरा 60-67 है अभी से माशाल्लाह, सेटिंग कर रहे हैं, कुछ लोड कर लिए और कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, ये आप देखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको भी बकरे बकरियां चाहिए साबिर गोट फार्म से खरीदारी कर सकते हैं सस्ती और खूबसूरत, 0341-0349-1995 और ये मेरा नंबर है पर्सनल, और दूसरा नादिर भाई के पास होता है 0335-4746-487 वाला, ये नादिर भाई के पास होता है, बड़ा भाई है नादिर भाई। और जो दूसरा होता है राशिद भाई के पास 0349-6789-033, ये राशिद भाई के पास नंबर होता है, बाकी इनमें किसी भी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, डीजी कान शहर में पहुंचते हैं हमें फ़ोन करें, और जितने आपको 1000 जानवर भी चाहिए ना सस्ता और खूबसूरत इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बाकी ये लोडिंग अभी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से दोनों शजोर लगे हुए हैं अभी, और सेटिंग करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने एक वादा किया था राहुल पिंडी वाला माल आपको दिखा दूं पहले, ये माशाल्लाह से टेडी और ये राजनपुरी है, और दूसरी पिंडी वाली आपको दिखाता हूँ, ये कुहाट और जो पिशावर, ये माशाल्लाह से राहुल पिंडी जाएंगे कितना रवात में जाएंगे और इनकी वीडियो अलग बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से भाई आए हैं, बकरियाँ ली हैं और पूछते हैं कहाँ से आए हैं ये। कल मैंने इसकी पोस्ट लगाई थी, 6 बकरियाँ और 11 बच्चे थे और माशाल्लाह से, और जो नेट पे कीमत बताई थी वही कीमत दी है, इसमें कोई महंगी नहीं है और फिर भी उससे भी कम की थी। तो भाई से पूछते हैं और कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक हो? आपका नाम क्या है? तो आपका भाई, तो आपका तो अच्छा कहाँ से आए हो आप? झांग से। कौन सी जगह से? माही स्टेडियम के पास। माही? अच्छा जो, अच्छा माशाल्लाह से उधर से आए। कितना अच्छा हो गया वीडियो देखते देखते? अहमद उत्तर कर 6 महीने नहीं, सिर्फ आपने क्या किया था? टोकन भेजा था मुझे, कितने पैसे भेजे थे? तो फिर आप खुद आके लेके जा रहे हो? मैंने आपको क्या कहा, अगर पसंद नहीं है आपने 10,000 ले लो बकरे रहने, ऐसी बात हुई है ना। और माशाल्लाह डील करने का हमारा स्टाइल भी अलग होता है, क्योंकि अगर आप टोकन भी भेजोगे ना चीज़ को अगर रोक लो वो रोक लेंगे, अगर पसंद आए लो, अगर ना है फिर भी छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह से
3000 काम करवाया ना आपने, 3000 दो लाख से काम करवाया है माशाल्लाह से। अच्छा गाड़ी वाले कितना किराया लिया आपसे? 9000 झांग का। और ये माशाल्लाह से पेका पे भी लोड कार के दे रहे हैं, क्योंकि डाले गाड़ियां हर टाइम सर्विस इधर मौजूद होती है ना हमारे फार्म से। चलो यार रखते करो, ये 6 बकरियां और तकरीबन 11 बच्चे हैं मेरे ख्याल से। चल यार रखे करो। और माशाल्लाह से ये पूरी कल आपने भी देखी होगी वीडियो, सारी यही बकरियां और यही बच्चे होंगे। चलो लोड करो, बड़ा बना क्या है। और पलाली डालने गया हुआ इंशाल्लाह, ये अभी लोडिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8 तारीख 2019 और 10वां महीना, जो भी चीज दिखाएंगे वही देंगे इंशाल्लाह से। और चीज भी सस्ती और माशाल्लाह रेड और खूबसूरती अलग, इनके दूध भी माशाल्लाह हर चीज मैंने दिखाई है। भाई को कहा ओके है, भाई ने कहा ठीक है ओके है, फिर ये माशाल्लाह से लेके जा रहे हैं। प्यारे भी उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। माशाल्लाह अंकल ये है और पूछते हैं कहाँ से आए और कितने जानवर माशाल्लाह से लिए हैं और कितना अरसा हो गया वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक हो तो वैसे ठीक है। आपका नाम क्या है? तो भाई आपका अली। तो आपका अब्दुल अली। अच्छा कितना अरसा हो गया अंकल जी वीडियो देखते देखते? तकरीबन 4-5 महीने हो गया। तो ये कहाँ पे ले जाओगे जानवर? चकवाल। कौन सी जगह पे? खोखर। तो ये टोटल कितने जानवर हो चुके हैं? 24 हो गए हैं और बच्चे भी हैं माशाल्लाह से 4-5, और ये बकरियां भी ली हैं, ब्लैक भी हैं, टेडी भी है, और माशाल्लाह चकवाल ये ले जाएंगे आज। अच्छा कल पहुंचे थे जी? कल 7 बजे। तो इधर स्टे किया हमारे फार्म पे जी? बिल्कुल। इधर कैसा महसूस किया रात के टाइम? क्यों बाज का लोग होते हैं ना थोड़े से ऐसा, और फार्म के ऊपर ही माशाल्लाह रहने की भी कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इधर पूरी सेटिंग है। तो माशाल्लाह से इन्होंने जानवर भी लिए। अच्छा गाड़ी वाले ने कितना किराया लिया? 19000। चकवाल उधर आपके एड्रेस पे छोड़ा है? चकवाल से आगे गांव 18। अच्छा 18 किलोमीटर आगे है माशाल्लाह। इसने 2 बच्चों वाली बकरी है, 5 टेडी है और 5 पट्ठे हैं, 5 बकरे हैं और एक ब्रीडर है, 2-4 अब्लग हैं। इन्होंने पूरे आइटम लिए है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 तारीख 2019 और 10वां महीना माशाल्लाह से, ये अभी आपके सामने 11वां महीना माशाल्लाह से, ये अभी लोडिंग कर रहे हैं आपके सामने। चल यार। और ऊपर खुरलियां बांध दी है और साइड से जो है ना हमने तिरपाल बांध दी है, क्योंकि कोई टेंशन ना हो जाना। ये देखे ना इन्होंने खुरलियां लिए ना 4, और ये 1300-1400 की मिल जाती है। और माशाल्लाह से पूरी सेटिंग करके ये लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको भी चाहिए डेरा गाजी खान पहुँचते हमसे रब्ता करें, और 0341-034-1995 वाला नंबर पे इंशाल्लाह। अगर आपको भी जितने जानवर चाहिए ना बकरे बकरियाँ इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुनासिब प्राइस में और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये टेडी लिए हैं जैसे गोश्त वाली होती है ना ब्रीडिंग कराने के लिए, और बच्चों वाली बकरियाँ भी ली हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। माशाल्लाह से ये मेहमान आए हुए हैं और बकरे खरीदे हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो तो वैसे ठीक है। आपका नाम क्या है? कर्नल। तो कहाँ से हैं आप? हम फैसलाबाद से। फैसलाबाद कौन सी जगह से? फैसलाबाद हम सिटी से। तो माशाल्लाह कितने जानवर ले लिया आपने? 37 अच्छा, तो हमने इतने खरीदे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आएंगे ज्यादा खरीदे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी डील लगी है। सही है आपका माशाल्लाह, बहुत अच्छा पावन है। और गाड़ी वाले ने कितना किराया लिया फैसलाबाद का? गाड़ी वाले कितना किराया कितने पर माल कितना है आप? अच्छा अच्छा, आपकी रिहायश फैसलाबाद कौन सी जगह? फैसलाबाद सिटी। सिटी में माशाल्लाह से ये जानवर लिए आज 6 तारीख 2019 और 11वां महीना माशाल्लाह से। और ये पट्ठे भी हैं और एक ब्रीडर लिया है माशाल्लाह से, लोडिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से ये देखें, चल यार रखते कर सारे को। और जिस भाई को भी चाहिए आप भी हैं इंशाल्लाह से डेरा गाजी खान, और आपको भी अच्छी चीज़ें और बिल्कुल मुनासिब प्राइस में मिलेंगी। मोहम्मद साबिर गोट फ्रॉम डेरा गाजी खान, और माशाल्लाह से ये बिल्कुल सस्ती रेंज में है। और ये ब्रीडर है, और ये जानवर माशाल्लाह से 22-23 जानवर लोड हो चुके हैं, और माशाल्लाह से बाकी लोडिंग जारी है। एक्टे कारिया
علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ سے یہ تقریباً 90 جانور ہے اور بھائی ہے اسپیشل ملیشیا سے، اور اس نے بکریاں ماشاءاللہ سے خریدی ہیں، اور کچھ بریڈر بھی ہیں. اور ماشاءاللہ سے یہ بکریاں ٹوٹل جتنی بھی ہیں نا ساری وہ خرید لیے ہیں. ابھی گاڑی بھی آئے گی اور بھائی سے بھی انٹرویو لیتے ہیں. کھیرا بکرا بھی ہے، دو بکرے چار دانت بھی ہیں اس میں، اور تین چار بریڈر ہیں ماشاءاللہ سے. بالکل وی آئی پی مال ہے، سارا چن چن کے لیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. اور الحمدللہ ابھی ہی تھوڑی دیر تک لوڈنگ بھی کرتے ہیں اور بھائی سے بھی انٹرویو لیتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ سے سارا مال سیل ہو چکا ہے. 6/2019 اور 10واں مہینہ، کیونکہ ادھر جانور اگر آپ 100-500 ہزار جانور بھی اگر خریدنا چاہتے ہو نا وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اور بھائی آئے گا انشاءاللہ سے، اس سے انٹرویو لیتے ہیں ملیشیا کون سی جگہ پہ رہا ہے. اور بھی کافی سارے دوست ہیں نا، کوئی انگلینڈ میں، یو کے میں، دبئی، سعودی اور قطر میں، اور پتہ نہیں کون کون سے ملک ہیں. اور کافی سارے بھائی ہیں نا وہ رابطہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے. اور سلام دعا واٹس ایپ پہ بھی ویسے بھی ہے، اور انہوں نے بھی فارم بنائے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ سے یہ آپ کے سامنے ابھی اکٹھا مال ہو رہا ہے سارا، اور پتہ نہیں کتنے ملک ہیں ماشاءاللہ سے. کافی سارے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں نا وہ رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ، اور انہوں نے فارم بنا رہے ہیں. کافی سارے دوستوں نے ابھی بنا بھی چکے ہیں، اور کوئی کہتا ہے مہینے بعد ہوں گا، کوئی 15 دن 20 دن ایسے کر کے نا وہ آئیں گے. تو پہلے یہ ملیشیا والے بھائی سے انٹرویو لیتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور کتنا عرصہ ہو گیا یہ شوق کرتے ہوئے. یہ ماشاءاللہ سے بھائی آ گیا ہے. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو طبیعت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سفیان لطیف. تو سفیان بھائی کہاں سے آئے ہو؟ میں آیا ہوں حاصل پور سے. حاصل پور کون سی جگہ سے؟ تو کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھتے دیکھتے؟ ویڈیو دیکھتے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے. اور باہر کون سے ملک میں آپ رہتے ہیں؟ ملیشیا میں رہتا ہوں. ملیشیا میں. اور یہ کیسے شوق آپ کو پہ شروع؟ ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق پیدا ہوا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو تھوڑا سا. نہیں نہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ٹوٹل کتنے جانور ہو گئے؟ 90 جانور ہو گئے بھائی ماشاءاللہ سے. ملیشیا میں ہوتے ہیں آپ کے سامنے، اور حاصل پور کون سی جگہ سے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے بہت بڑا فارم بنایا ہوا انہوں نے، اور بھی جانور رکھے ہوئے ہیں، اور پہلے بھی یہ خرید کے گئے تھے. اور یہ ٹوٹل ماشاءاللہ سے یہ ہیں، اور ماشاءاللہ سے. اور فارم کس ٹائپ کا بنایا بھائی سے پوچھتے ہیں اور تھوڑی سی معلومات کرتے ہیں. بھائی فارم کس ٹائپ کا آپ نے بنایا؟ کتنے انویسٹمنٹ کی ہے؟ 25-30 لاکھ روپے لگایا. نہیں وہ کیسے سیٹنگ کی ہوئی ہے فارم میں؟ فارم بنایا ہوا ہے، اس کا شیڈ بنایا ہے. اچھا اچھا پوری سیٹنگ کی ہوئی ہے. اور کتنے مرلے میں بنایا آپ نے؟ کتنی کنال ہے؟ دو ڈیڑھ کنال. ڈیڑھ کنال کے اندر ماشاءاللہ سے انہوں نے فارم بنایا ہوا ہے. اور یہ بریڈنگ ہے ماشاءاللہ سے. ویسے بھی یہ 6-7 مہینے تک یہ بکریاں سو پڑیں گی، کیونکہ اس نے کچھ بکرے لیے ہیں اور کچھ بکریاں لی ہیں. جو بکریاں ہیں جو نیکسٹ جو سال آئے گا نا، اس سال کی تیاری میں ان کے بچے آئیں گے، کیونکہ رمضان سے پہلے پہلے یہ سو پڑیں گی. جو انہوں نے بکرے خریدے ہیں کچھ چھوٹے بچے، یہ جیسے دیکھیں نا 20-25 بکرے ہیں، وہ اس سال کے لیے خریدے ہیں جو اس سال پہ سیل کریں. باقی اگلے سال کے لیے ماشاءاللہ سے یہ خود اپنے فارم کی بریڈنگ کرائے گا، اور نیکسٹ جو بریڈ آئے گی ماشاءاللہ سے بالکل زبردست بریڈ آئے گی. تو ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھیں، غور کریں اس گوٹ فارمنگ میں کتنا فائدہ ہے، اور لوگ کتنا اس چیز میں ماشاءاللہ سے شوق رکھتے ہیں الحمدللہ. اس میں بریڈر بھی اس نے بالکل وی آئی پی قسم کے رکھے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو بکریاں بھی لی ہیں انہوں نے چن چن کے لی ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ بریڈر ماشاءاللہ سے ان کے نکوڑے دیکھیں. ادھر نال کا ریا راشد پکڑا. یہ ماشاءاللہ سے راشد بھائی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے، اور وہ نادر بھائی ہے بڑا جو پیچھے نیلے کپڑے پہنے ہوئے. اور ماشاءاللہ یہ بریڈر کوالٹی، اور الحمدللہ بالکل پیور کوالٹی کے بچے ہیں. اور نادر نے دانت نکالا بکرے دے، چھوڑے چھوڑے کو. اور یہ دیکھیں نا تقریباً 9-10 مہینے کا یہ بچہ ہے جو بکرا ماشاءاللہ سے. اس کی دم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے، اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی. اور وہ سامنے کاشف بھی کھڑا ہوا چھوٹا ہے، وہ راشد سے بھی چھوٹا ہے. ادھر آ کاشف، انہیں گور تھا ٹورا. اور یہ ماشاءاللہ سے بچی دیکھیں، اور خوبصورت کوالٹی کی، چھوٹا منہ، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے.
इन्होंने बकरियां ली हैं माशाल्लाह, चुन चुन के पट्ठे भी हैं इसमें, कोई सुई हुई भी हैं। वैसे भी अगर 60 बकरी है ना, तकरीबन 70 बकरी है इसमें, काफ़ी सारी जो है ना गब्बर निकलेंगी। खाली करके लिए हैं 25 से 30 हज़ार की रेंज में, क्योंकि ये जितना ज़्यादा अरसा रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उतना इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बड़ी से बड़ी बकरी 30 हज़ार की लिए है माशाल्लाह से, और ये बकरे हैं सारे तकरीबन 21-21 हज़ार के लिए हैं इन्होंने, जो 6-6, 7-7 महीने के बकरे हैं माशाल्लाह से। रेड भी इसलिए बता रहा हूँ, आप भी हैं इंशाल्लाह अपना माइंड बंदा बना के आता है, और ख़रीदारी के लिए अभी गाड़ी भी करा ली है और इंशाल्लाह से लोडिंग करते हैं। यार तू उठिया अपनी ज़्यादा ड्रेस दस जितना माल वैसी यार, ये नहीं मिल रहा भाई फार्म ना, जितना रिहायश है माल रख सो दसो वो तो मैं ड्रेस नहीं दसे ना, क्योंकि वो फोन वो बंदे तंग करे ना। वो बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, ये देसी डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कितना अरसा हो गया शौक करने करने हैं? कितना साल? एक साल हो गया माशाल्लाह। वो खीरा ब्रीडर है ना, अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो पकड़ गए ना यार बकरे को माशाल्लाह से, खूबसूरत क्वालिटी के जानवर इन्होंने लिए। और जिस भाई को भी चाहिए आप भी हैं डेरा गाजी खान में, और बिल्कुल माशाल्लाह सस्ती चीज़ें और इंशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें आपको साबिर गोट फॉर्म से मिलेंगी। और गाड़ी कराइए, अभी अंधेरा हो जाएगा ना इसलिए जो है ना। वही यार क्या करें दे प्यो ना डास यार तू। अच्छा उत्थे कितना जानवर बेखड़न दे? 60 जानवर पहलो है, और माशाल्लाह से तकरीबन 150 जानवर हो गए टोटल, माशाल्लाह 90 ये है और 60-150 जानवर टोटल इनका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले रखे है ना इन्होंने ट्राई के तौर पे 60 जानवर, बाकी ये लेके जा रहे हैं। और 0-300 की हाँ माशाल्लाह जबरदस्त सेट हो गए। और ये नंबर भी आपको बता दूं, अगर जिस भाई ने आना हो तो डेरा गाजी खान साबिर गोट फॉर्म, और ऊपर वाला मेरे वाले साहब का नंबर है, और ये नादिर भाई है बड़ा भाई है, और राशिद भाई है छोटा भाई है, ये नंबर है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इनसे भी रबता करके आ सकते हैं, क्योंकि एड्रेस और डीजी खान पहुँचते हैं हमसे रबता करें, और जितने भी जानवर चाहिए बड़े छोटे हर साइज़ के इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और ये भैया है माशाल्लाह, एक दो बच्चों वाली टेडी ली है, और एक राजनपुरी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो, आपका नाम क्या है? अमीर अब्बास। अमीर अब्बास, मुनीर भी कहाँ से हो आप? तो कौन सी जगह से? डेरा स्मिल खान, कौन सी जगह? पूरा एड्रेस बताओ ना, कौन सी जगह? सिटी में माशाल्लाह आया आज 6 तारीख 2019 महीना, और ये वाले लेके जा रहे हैं। ठीक है, उतार दो बच्चों को एक मिनट। और ये बच्चे हैं माशाल्लाह से, और वो बकरी है, और दो दो बच्चों वाली है माशाल्लाह से। ठीक है, लोड करो यार इन्हें, घेर लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से ये 6 बकरियां और एक ब्रीडर और 3 पट्ठे हैं माशाल्लाह से ये भाई ने लिए हैं, और ये माशाल्लाह से पूछते हैं कहाँ ले जाएंगे। आज 5 तारीख 2019 और 11वां महीना। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भैया? ठीक हो तो वैसे ठीक है। आपका नाम क्या है? तो अरसलान भी कहाँ से हो आप? कहाँ से? मुल्तान जहानिया से आया माशाल्लाह से, और 3 पट्ठे अब लग लिए हैं माशाल्लाह से, और इन्हें कुत्ते करो, और 5 बकरियां और 6 बकरियां और एक ब्रीडर माशाल्लाह से लेके जा रहे हैं। अच्छा आप पूरा एड्रेस बताना, उधर दोस्त आए देखने, उधर का मुल्तान जहानिया, ये आप 14 वाली किस साइड पे? जिला खाने वाला है, सील जहानिया जिला खाने वाला। अच्छा माशाल्लाह से ये उधर लेके जाएंगे, ये अभी लोडिंग करते हैं, उतर करो यार। चलो यार लोड करो, बिस्मिल्लाह करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोड कर रहे हैं आज 5 तारीख 2019। ये कितना किराया लिया गाड़ी वाले ने? 6500। चल यार बिस्मिल्लाह करो, लोड करो। ये माशाल्लाह से अभी लोडिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी भाई को चाहिए आप भी आ सकते हो इंशाल्लाह से, तो आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। भाई आप भी नाम बताओ यार, आप वीडियो में आ गए हो। ठहर जाओ, ठहर जाओ। जैनुल, जैन भी माशाल्लाह से। ये कितने जानवर लिए हैं टोटल? 10 जानवर लिए हैं माशाल्लाह से। ये तकरीबन दोपहर को आए थे,
अभी ये माशाल्लाह से पसंद करके अभी ये माशाल्लाह से लेके जा रहे हैं। चल यार चल जल्दी क्यों, माशाल्लाह से बड़ी बकरियां और कुछ अबलग भी लिए हैं। राजनपुरी डेढ़ दो घंटे का सफर है मुल्तान से और डेरा गाजी खान, तो सागो को आया है ना मुल्तान शहर को तकरीबन डेढ़ घंटा लग जाता है, उधर से तीन घंटे लगे होंगे शायद, वो थोड़ा सा घंटा डेढ़ आगे होता सफर उसका। चल यार जल्दी धीरे थी, और ये ब्रीडर है माशाल्लाह से। प्यारे भैया उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ये भाई आए हुए हैं स्पेशल बकरे लेने के लिए पीर महल से, तो पूछते हैं कितने लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो? आपका नाम क्या है? तो आपका तो आपका भाई तो अच्छे कहाँ से है आप? टोबा टैक्सी पीर महल। कितना दूर है इधर से? ढाई सौ। थोड़ा ये ऊपर करो ना इनके चेहरे, माशाल्लाह से ये लिए, इसको थोड़ा सा इधर साइड पे करो। ये माशाल्लाह से लिए अल्हम्दुलिल्लाह पीर महल से, आज 5 तारीख 2019 और 11वां महीना। ओए गिच्ची ना पकड़। और ये माशाल्लाह अपनी पिकअप पे आए हुए हैं माशाल्लाह से, ये अभी लोडिंग कर रहे हैं। चल यार बिस्मिल्लाह पढ़ो, लो गिच्ची पकड़ी भी ले ले दी। और ये माशाल्लाह से लोडिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आराम ना आराम ना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं बकरियां और बकरे लेने के लिए। अगर आपको भी चाहिए आप भी आए डेरा गाजी खान, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। माशाल्लाह से ये मेहमान आए हुए हैं और बकरे लिए हैं, पूछते हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सी? ठीक हो? दिव्य से ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है सी? तो तुम्हारा आपका अच्छा कहाँ से है आप? मैल सी से। 5 जनवरी लिए हैं तो कितना अर्सा हो गया वीडियो देखते देखते? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गया, तो आज आपने कहा चलो 100 रुपये के पास चक्कर लगाते हैं। माशाल्लाह गाड़ी पे हैं और ये गाड़ी पे ले जाएंगे आज। आज 3 तारीख है ना? 3 तारीख 2019 और 10वां महीना है। ये सामने करो ना इनको, दो छोटे हैं 3 बड़े हैं। माशाल्लाह से ये देखे ना प्योर चीज़ है माशाल्लाह, गुलाबी ये देखे माशाल्लाह से। ये वाले लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 3 बड़े वाले हैं। बिल्हा यार ये झाल खड़ो यार, ये माशाल्लाह से बिठा रहे हैं। अगर किसी भाई को चाहिए, अगर आपको भी चाहिए आप भी डेरा गाजी खान आ सकते हो, और 0341-0349-95 वाले नंबर पे भी रब्ता कर सकते हो। चल यार उतर बिल्हा, ये माशाल्लाह से डिगी में बिठा रहे हैं और 2-3 अंदर भी बिठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से ये भाई है और एक बकरा और 2 मुंदरे लिए हैं। भाई से पूछते हैं कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो? आपका नाम क्या है? तो रिजवान भाई कहाँ से है आप? शेखपुरा। कौन सी जगह से? खारिया वाला से। और आज कितने बजे पहुँचे थे? 6 बजे पहुँचा माशाल्लाह। आज 31 आज कितना 3 तारीख है 2019 और 11वां महीना माशाल्लाह से ये लेके जा रहे हैं माशाल्लाह भाई। वो मुंदराई दे कर यार कक्का, एक कजला लिया है और एक माशाल्लाह से भाई ने कक्का लिया है और एक बकरा लिया है ये आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से ये भाई आए हुए हैं कराची से और इन्होंने जानवर लिए हैं, पूछते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक हो? आपका नाम क्या है? तो आपका तो किर भाई कहाँ से है आप? कराची। कौन सी जगह से? कौन सी? शाह फैसल कॉलोनी। तो टोटल कितने जानवर हो गए आपके? 13 और एक मुंदरा, एक अबलग और बाकी राजनपुरी बकरे लिए हैं माशाल्लाह से। और आज क्या तारीख है? 3 तारीख 2019 और 10वां महीना माशाल्लाह से। ये वाले बकरे थोड़ा ऊपर करो ना इनके चेहरे। और ये माशाल्लाह से इन्होंने बकरे लिए हैं वाइट, और एक अबलग है और 3 मुंदरे माशाल्लाह से ये लिए। और माशाल्लाह से शाह फैसल, आप कल किस टाइम आए थे उधर? रवाना कितने बजे हुए थे? छः बजे। तो इधर डीजी खान की मुल्तान कितने बजे पहुंचे थे? ट्रेन पे आए थे क्या? ट्रेन पे ही आए थे। और मुल्तान से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है डेरा गाजी खान का माशाल्लाह से। और ये जानवर माशाल्लाह इन्होंने ले लिए हैं, और इंशाल्लाह ये थोड़ी देर तक लोडिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी भाई को चाहिए तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। डेरा गाजी खान आना हो तो 0341-0349-95 वाले नंबर पे, तो इंशाल्लाह से जिस भाई ने भी अगर लेने हो तो। ठीक है भाई जान, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ये क्या नाम है आपका? तो कहाँ से है आप? कौन सी? टोबी। ये पिशावर से कितना दूर है टोबी?
कितना? अच्छा डोबी, टोपी से। अच्छा ये कितने जानवर हो गए टोटल आपके? 18 जानवर माशाल्लाह से इन्होंने लिए हैं, और एक मक्खी जी ने, और बाकी राजनपुरी, और अबलक भी लिए हैं माशाल्लाह से, और बच्चों वाली भी, और बच्चे भी इनके दिखाते हैं, और दूध भी बिल्कुल प्राइस भी मुनासिब माशाल्लाह से। आज 2 तारीख, ये देखें माशाल्लाह से इनके दूध, और अभी बच्चों को भी पिलाया हमने माशाल्लाह से। ये आप चेक करें माशाल्लाह, ये चीज़ें देखें, और ये देखें माशाल्लाह से, अभी बच्चे भी माशाल्लाह से दूध पी रहे हैं इनका, और बच्चे माशाल्लाह नन्हे मुन्ने वाइट वाइट माशाल्लाह वो आप देख सकते हैं। और ये आज 2 तारीख 2019 और 11वां महीना। अच्छा पूरा एड्रेस बता दो ना उधर का। अच्छा तो इधर कैसा महसूस, कोई टेंशन तो नहीं हुआ? क्योंकि रात को टाइम आप पहुंचे थे इधर, स्टे हमारे पास किया आपने, माशाल्लाह से सुबह किधर से आपको वसूल किया है? रात को डरे हुए थे क्या आप? डरे हुए थे क्या? नहीं, तो नहीं। अच्छा और असल में उसकी गलती है, बास वाले की ना, दूसरी जगह पे उतार दिया, तो मैंने कहा था उसको डेरा गाजी खान बाईपास पे, क्योंकि कराची वाली गाड़ियां आती है ना उधर से, तो उसने गिद्दड़ चौक पे उतारा है, तो उसके बाद पहले आता है वो इधर से मेन के ऊपर होके गुजरती है ना, डेरा गाजी खान बाईपास पे उसने उतारना था, और थोड़ा सा 5 किलोमीटर आगे इसने उतारा, क्योंकि रात के टाइम था ना, तो कोई मसला नहीं। आप भी आए इंशाल्लाह, रात के टाइम भी आए, सुबह जिस टाइम आपकी दिल करे इंशाल्लाह से, जानवर भी हर चीज़ आपको सहूलत के साथ ही मिलेगी, और उधर से कराची वाली गाड़ियाँ भी इधर से गुजर के जाती हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस टाइम भी आना हो रब्ता करके आएँ, और इंशाल्लाह से आपको जानवर भी मिलेंगे, और ट्रांसपोर्ट और हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत होती है। और 22,000 रुपया और डाले वाले ने लिया है, तो इंशाल्लाह से वो लोडिंग भी करेंगे थोड़ी देर तक, और अगर किसी भाई को चाहिए आप भी हैं इंशाल्लाह से सस्ती चीज़ें और खूबसूरत, साबिर गोड फॉर्म डेरा गाजी खान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद साबिर गोड फॉर्म डेरा गाजी खान, और माशाल्लाह से मेहमान हैं पेशावर से, और ये बकरियाँ ली हैं सारी, और ये तकरीबन 8-9 बच्चे हैं, और बच्चों वाली भी ली हैं इन्होंने, और बाकी ये कुछ प्रेगनेंट भी ली हैं, कुछ खाली भी हैं, और माशाल्लाह से ये पूरा सेट लिया है इन्होंने, और पूछते हैं पेशावर कौन सी जगह ये ले जाएंगे। और ये टोटल इनके बच्चे हैं, और इनका दूध भी आपको दिखाऊंगा जो बकरियों का दूध है, और बच्चे भी माशाल्लाह से वाइट हैं। छोड़ो यार, ये बच्चे हैं माशाल्लाह से इनके। हेलो काशिफ, एक खीर पिलाओ रहे, जाल का खोलो बकरे ना। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, क्या हाल है? ठीक हो तो भी ऐसे ठीक है, आपका नाम? माशाल्लाह से ये तीनों जानवर भाई ने ले लिए, और पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो, आपका नाम क्या है? तो आपका? तो आपका? अच्छा आप कहाँ से आए हो? लाहौर से? आप नारोवाल? अच्छा ये नारोवाल कौन सी जगह ले जाओगे? कहाँ से? गिदिया गांव में माशाल्लाह से ले जाएंगे, और साबिर गोड फॉर्म से माशाल्लाह से जानवर जा रहे हैं, और भी मेहमान आए हुए उन्होंने भी लिए हैं माशाल्लाह से, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये आज 2 तारीख है 2019 और 11वां महीना, ठीक है लोड करो। ये भाई है रहीम यार खान से, इन्होंने भी लिए हैं, और पेशावर से भी मेहमान है, उन्होंने भी जानवर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं बकरियां और बकरे ख़रीदने के लिए। अगर आपको भी चीज़ें अच्छी चाहिए, सस्ती चाहिए, साबिर गोड फॉर्म पे आएँ, और ये बच्चों वाली बकरियाँ भी हैं, ये जाएँगे पेशावर वाली साइड पर, और जो हमारा जो दूसरा बड़ा चैनल चल रहा है ना साबिर गोड फॉर्म, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे बच्चों वाली, दूध वाली, और बीतल, अबलग, राजनपुरी, टेडी, हर नस्ल का जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर टाइम मौजूद होता है। मुंद्रे, छतरे, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो ना, सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और कारोबार के लिहाज से अगर चाहिए आप आएँ इंशाल्लाह से, और कीमत भी सस्ती है, और चीज़ें भी माशाल्लाह से खूबसूरत आला क्वालिटी की, और जिस टाइम भी आना रब्ता करके ज़रूर हैं। और ये आप देख सकते हैं नंबर भी लिखे हुए होंगे ना ये सामने, ये आप देख कर 0303-700-3864 इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आज 2019 और 2 तारीख
گیارہواں مہینہ ماشاء اللہ مہمان آئے ہوئے، انہوں نے بکریاں بھی لی ہیں اور بریڈر بھی، تو پوچھتے ہیں کہاں سے ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ تو آپ کا نام کیا ہے؟ تو بھائی آپ کا، تو آپ کا، تو کہاں سے ہو آپ؟ سات کا بات. کون سی جگہ سے؟ اچھا، ٹوٹل کتنے جانور ہو گئے؟ 28 ہو گئے. یہ بکریاں کتنی رینج میں لی آپ نے؟ 13,500 کی. ٹوٹل کتنی ہو گئی ہیں؟ یہ وہی ہے نا جو 60 بکریوں میں آپ نے چنی ہے ماشاء اللہ سے ساری، جو پرسوں والے دن بھی میں نے ویڈیو لگائی ہے. اچھا، یہ سات کے بعد کون سی جگہ پہ فارم بنایا آپ نے؟ کون سا دوست آئے ہیں نا دیکھنے کے لیے؟ پورا ایڈریس بتا دو. ادھر کس نام سے فارم مشہور ہے ماشاء اللہ؟ اذان گوٹ فارم. ادھر بھینسوں کا بھی ہے فارم شاید، گائے کا ماشاء اللہ. اور یہ 28 ہیں ٹوٹل، 28 جانور. گاڑی والے نے کتنا کرایہ لیا؟ 11,000 روپے کرایہ لیا ہے. اور ماشاء اللہ سے ابھی لوڈ کر رہے ہیں. چلو یار فروخت لوڈ کرو، جلدی کرو. یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ابھی سے لوڈنگ کر رہے ہیں. اوے آرام نال، اوے آرام نال. اور ایک بریڈر لیا انہوں نے، اور باقی یہ والی بکریاں لی ہیں. انشاءاللہ سے ابھی لوڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی اچھی چیزیں سستے پیسوں میں چاہیے ماشاء اللہ سے آپ ہیں، اور جتنا اچھا بریڈر ان میں چھوڑو گے الحمدللہ اتنا اچھی نسل آئے گی. انہوں نے ابلک بھی لی ہے اور راجن پوری بھی ماشاء اللہ سے دونوں. اور یہ ابھی الحمدللہ لوڈنگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا آ گئے ترے. اور ماشاء اللہ سے چار نمبر پہ یہ آ رہا بکرا. اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، آرام نال آرام نال، جلدی کرو. اور 0341-034-1995 والے نمبر پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو جس ٹائم بھی آنا ڈیرا غازی خان میں. اور یہ لوڈنگ شروع ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے، یہ آپ چیک کریں. چل یار جلدی کرو. ویلکم پیارے بھی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاء اللہ یہ مہمان آئے ہوئے ملتان سے ماشاء اللہ سے، اور 5 جانور لیے. اور پوچھتے ہیں ملتان کہاں لے جائیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے تو آپ کا محمد. بھائی آپ کا، اچھا یہ کہاں لے جاؤ گے؟ ملتان. ملتان کون سی جگہ پہ؟ بہادر پور. آج کیا تاریخ ہے؟ یکم پہلی ماشاء اللہ سے یہ 5 جانور لے کے جا رہے ہیں. اور یہ گاڑی میں لوڈ کرو گے نا؟ یہ بھی گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں. ہاں یار گھنو ان کو. اور ماشاء اللہ سے یہ اندر والی سائڈ پہ ماشاء اللہ ادھر بیٹھ لیں. چل یار آرام نال بلا دوں. ایک پکڑ، ہاں اچھا اٹھا لے. الحمد للہ اگر کسی بھائی کو چاہیے آپ بھی ہیں ان شاء اللہ سے، آپ کو بھی ان شاء اللہ بالکل مناسب قیمت میں اور اچھی چیزیں ملیں گی. اور یہ ماشاء اللہ سے ابھی گاڑی میں لوڈ کر رہے ہیں. آرام نال یار آرام نال. وعلیکم پیارے بھی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاء اللہ سے حاج صاحب آیا ہے اسپیشل سعودی عرب سے، تو پوچھتے ہیں کتنے جانور لیے ہیں اور ماشاء اللہ کہاں لے جائیں گے. السلام علیکم. کیا حال ہے صاحب؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا، تو کہاں سے ہے آپ؟ ہم لوگ سہیوال سے آئے ہیں. سہیوال کون سی جگہ پہ فارم بنا؟ سہیوال نور شاہ کے ساتھ ہے، ایک قصبہ چھوٹا سا بوجی ہے. ہم کھرڑ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، وہاں رقبہ ہمارا. ابھی یہ فارم تو پہلے ہم نے بھینس وغیرہ کا بنایا ہوا تھا، لیکن ابھی بھائیوں نے مشورہ دیا کہ یہ بکروں میں بہت زیادہ پرافٹ بھی ہے اور صحیح ہے، جاب ہے. اچھی بات ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے 32 جانور خریدے. کتنے؟ 32 ماشاء اللہ سے. اچھا آپ سعودی عرب کہاں پہ ہوتے ہو؟ مدینہ شریف میں. ماشاء اللہ یہ ہوتے ہیں ادھر ہی. اور ماشاء اللہ کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو؟ اچھا اس نے بتایا تھا. اچھا ماشاء اللہ سے. اور اس میں بکرے کتنے ہیں اور بکریاں کتنی ہیں؟ بکری ہم نے خریدی ہیں 20. اچھا بکرے خریدے ہم 12، جس میں ایک یہ بریڈر ہے، ہیڈ ماسٹر ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور گاڑی والے کرایہ کتنا لیا ہے؟ گاڑی والے نے 15,000. 15,000 کرایہ لیا ہے. اور ماشاء اللہ سے ابھی لوڈنگ کر. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 1 نومبر. 1 نومبر ماشاء اللہ سے یہ ابھی لوڈنگ ٹھیک ہو گیا. اور ماشاء اللہ سے یہ انہوں نے بکرے لیے ہیں اور بکریاں بھی ہیں اس میں ماشاء اللہ سے، ایک یہ جو بڑا بریڈر ہے بریڈنگ کے لیے. اور یہ لیا، اس کو ویسے باندھ کے رکھنا ہے نا آپ نے، کیونکہ گھنٹہ دو بکریوں میں کھولنا ہے بعد، نہیں تو یہ کمزور ہو جائے گا. ماشاء اللہ یہ آپ دیکھیں نا، یہ ابھی لوڈنگ بھی کر رہے ہیں الحمد للہ. ٹرانسپورٹ ہمارے فارم پہ بھی ایکسٹرا کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی ٹائم مل جاتی ہیں 2 منٹ کے اندر اندر. اور یہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر خریداری بھی ہو جاتی ہے. بس جلدی جلدی والا کام ہے ان شاء اللہ. آپ جس ٹائم بھی آؤ گے
اور پوری سہولت ہے الحمدللہ. اور سابر گوڈ فارم پہ جتنے بھی جانور لینا چاہتے ہو نا، انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد اور سستی چیزیں انشاءاللہ ملیں گے. اور جس ٹائم بھی آنا ہو، بے شک صبح آپ اپنے شہر سے روانہ ہو جائیں، شام کو پہنچ جائیں، رہنے کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ پوری سہولت ہے. لیکن اگر صبح ہو گئے نا، شام کو خریداری کر کے اسی ٹائم آپ گاڑی کرا واپس بھی صبح گھر پہنچ جاؤ گے، اگر جلدی والا کام ہے تو. نہیں تو رات کو آپ نکلو گے، جیسے لاہور، گجرانوالہ، کراچی، دوسرے شہر ہیں مختلف، اور جہاں سے 7-8 گھنٹے کا سفر ہے، اور صبح آپ پہنچ جاؤ گے اور خرید کے پھر آپ اسی ٹائم روانہ ہو جاؤ تو آپ کی مرضی ہے. اگر شام کو روانہ ہو جاؤ وہ آپ کی، شام کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ آپ عصر کے ٹائم پہنچ جاؤ گے اور خریداری گھنٹے دو میں ہو جائے گی، آپ راتوں رات گھر صبح صبح پھر پہنچ جاؤ گے. صرف انشاءاللہ سے جلدی اگر آپ کو ہو تو، نہیں تو پھر آپ جیسے آپ بہتر سمجھیں انشاءاللہ لاری اڈے پہنچتے ہمیں فون کریں اور ایڈریس آپ کو ایس ایم ایس کر دیں گے جس ٹائم لاری اڈے سے ریسیو کر لیں گے، کیونکہ نزدیک ہی لاری اڈا ہے. اور گاڑی رات دن جس ٹائم بھی آپ آؤ گے اسی ٹائم آپ کو ٹرانسپورٹ کی بھی سہولت ہے، ہر چیز کی انشاءاللہ سے. تو جس ٹائم بھی آنا ہو کال کر کے ضرور ہے، انشاءاللہ سے پوری سہولت ہر قسم کی ہے، شام کو ہیں یا صبح ہیں، جس طرح آپ بہتر سمجھیں آپ اس طرح آ سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ آج 1 تاریخ ہے، 1 تاریخ 2019 اور 11واں مہینہ ماشاءاللہ سے. اور یہ حاجی فاروق والی بکریاں جا رہی ہیں، اور کل جی ویڈیو بنائی میں عربی دے. السلام علیکم، کیا حال ہے بھجن؟ ٹھیک ہو تو بے سے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ تو مجاہد بھی کہاں سے ہے؟ وہ رحیم یار خان. یہ کون سی جگہ؟ ادھر فارم بنایا ہوا آپ نے؟ شان. اچھا ماشاء اللہ سے. یہ کتنے ہیں ٹوٹل بریڈر ہے کیا ادھر؟ اور یہ بریڈر ابھی نہیں لیا ہے، اتنے کرو یار. یہ ماشاء اللہ سے 12 بکریاں، 13 بکریاں ماشاء اللہ سے لے کے جا رہے ہیں. اور کل جو ریٹ بھی بتایا تھا میں نے، اور انہوں نے چن کے لیے ہیں 28-28 کی ماشاء اللہ سے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل پیور چیزیں ہیں. اور ابھی لوڈنگ کرتے ہیں. ایک ابلک بکری بھی اس میں تھی، ادے کریں ماشاء اللہ، زبردست چیزیں ہیں. اور یہ آج کی ڈیٹ میں ماشاء اللہ سے لوڈنگ کر رہے ہیں. اور گاڑی والے نے کتنا کرایہ لیا؟ 8000 روپئے کرایہ لیے. اور یہ 28-28 ہزار کی سیل ہو چکی ہیں ساری. اور یہ ماشاء اللہ سے ابھی لوڈنگ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ زبردست بکریاں، آدھی تو اس میں گبن ہوں گی. اور ماشاء اللہ یہ ابھی دیکھیں یہ لوڈ کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن. چل یار آرام نہ لوڈنگ کرو. تو باقی کراس بھی ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اگر کسی بھائی کو چاہیے آپ بھی ہیں ڈیرہ غازی خان میں، آپ کو انشاءاللہ سستی اور خوبصورت چیزیں ملیں گی. ابھی اچھا یہی لے کے آیا آپ کو؟ شوق تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا. یہ کیا کہتے ہیں بکریاں لے چلو؟ ادھر اپنے کزن کے پاس جاتا رہتا تو ادھر بکریاں ہیں، کہتا ہے میں نے لینی ہے. نہیں اچھی بات ہے ماشاء اللہ زبردست ہے. اور یہ ماشاء اللہ سے ابھی سے کراس ہو جائیں گی، جو 6 مہینے سے پہلو پہلو ماشاء اللہ آمدن شروع ہو جائے گی ان چیزوں کی. جو بڑے لیول پہ بکریاں ہوتی ہیں نا ماشاء اللہ زبردست چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ان کے نکوڑ بھی آپ چیک کریں، خوبصورت چیزیں ہیں ماشاء اللہ سے اور بالکل پیاری. تو یہ ابھی لوڈنگ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اگر آپ کو بھی چاہیے آپ بھی ہیں انشاءاللہ سے، کم قیمت میں جانور اور خوبصورت جانور ادھر ملتے ہیں. اور یہ بے شک منڈی کا بھی آپ ریٹ چیک کریں، اس طرح کی آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گی اتنی قیمت میں، مہنگی ملتی ہیں. اور دانتوں میں 2 دانت 4 دانت اور 1-2-6 دانت ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے زبردست اوریجنل چیزیں ہیں. عربی نکال پوری ویڈیو بنے سے نہیں، آرام نال یار آرام نال. ہار بھی گئے پہن ڈوئیں. ایک بندہ فون کی تھی بھائی سنگ تھی سعودی کا، ارے تو نقل عربی بنے بھی اسا اصل عربی نے سوچتا. یہ امین کو ہلا رہی میں کہ ادھر جا رہی ماشاء اللہ. یہ تقریباً 4-5 گھنٹے کا سفر ہے رحیم یار خان کا. 1 بکری بچ چکی ہے. یہ بھی آپ کی گوشت بھی ان کا ہے، اتنا ہی ہوگا 30-35 کلو. یہ گوشت کے حساب سے مل رہی ہیں اس طرح سمجھے، کیونکہ ادھر اتنی پیاری بکری ہیں ماشاء اللہ. منڈی میں آپ کو 50,000-60,000-70,000 کہیں گے، آپ بے شک جا کے دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے وائٹ چہرے میں اور بالکل خوبصورت.
پیارے بھی امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے. یہ بھائی ہیں کراچی سے بکریاں لینے ماشاء اللہ سے, اور بھائی سے پوچھتے ہیں کراچی کون سی جگہ, کراچی کون سی جگہ سے, کون سی, نارتھ کراچی, اور نارتھ کراچی سے آئے ماشاء اللہ سے, اور بس ہمارے فارم سے لے کے جا رہے ہیں. آؤ آؤ لے آؤ, اور یہ دیکھیں نا بچوں والی بکریاں بھی لیے ہیں اور پٹھے بھی لیے ہیں, اور ماشاء اللہ سے یہ لوڈنگ کر رہے ہیں, اور ایک بچوں والی ادھر بھی لے چلے گی آگے, اور دوبارہ پوچھتے ہیں بھائی سے کراچی, کیونکہ پوری سہولت دیتے ہیں نا الحمدللہ ہمارے فارم سے بسیں لے کے جاتی ہیں جانور. یہ آپ دیکھیں نا 500 روپے کرایہ لیتی ہیں اور ادھر سے لوڈنگ کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ماشاء اللہ سے 4000 بکریاں کے کرو, اور یہ لوڈنگ کر رہے ہیں الحمدللہ. بچوں والی بھی لیے ہیں انہوں نے, بریڈر بھی لیے ہیں. اور کراچی کون سی جگہ, پورا ایڈریس بتاؤ نا آپ. سیکٹر 5E میں جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے آج کی ڈیٹ میں. ماشاء اللہ یہ آپ دیکھیں نا, یہ سامنے ہمارا فارم ہے, کیونکہ ادھر ٹرانسپورٹ آسانی سے مل جاتی ہے الحمدللہ, ہمارے فارم سے لے کے جاتے ہیں, اور مین کے اوپر ہی الحمدللہ ہمارا گوڈ فارم ہے, اور جب بھی اگر آنا چاہتے ہو پوری سہولت دیتے ہیں. ایکسٹرا گاڑیاں ویسے شزور ڈالے فارم کے اندر بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ لے کے جاؤ آسانی سے الحمدللہ, ہر چیز کی سہولت ہے, جانور بھی ایک گھنٹے کے اندر مل جاتے ہیں, اور گاڑی بھی اسی ٹائم آپ کو موقع کے اوپر جانور خریدتے وقت اسی ٹائم آپ کو انشاءاللہ سے مل جائے گی ٹرانسپورٹ. اور یہ الحمدللہ صبح خیر خوشی سے یہ پہنچ جائیں گے. آج 30 تاریخ 2019 اور 10واں مہینہ, 2 بریڈر اور باقی کچھ پٹھے لیے ہیں, بچوں والی بکریاں بھی لیے ہیں. چل یار چل آگے کرو, وہ کیا کر رہے ہو بچوں کے ساتھ, وہ پیٹ نہ پکڑو, چل یار دیو دیو ادھر پلانا راستے میں جہاں سٹاپ کرے. ہاں ہاں اس کو بول دیتا ہوں میں. یہ الحمدللہ ابھی لوڈ ہو چکے ہیں, اور باقی دوسری ڈگی میں ابھی لوڈ کر رہے ہیں. سردی آرام سے جانور چلے جاتے ہیں. یار بچوں کو گود میں رکھنا ہے ادھر اندر, یہ ڈگی میں کیسے رکھو گے بکریاں, نیچے یہ گود کے نیچے نہیں سیٹ کے نیچے آپ ڈال دو, جہاں بیٹھو گے نا اس کے نیچے رکھ لینا. یہ ابھی لوڈنگ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یار جلدی کرو,